Assalamualaikum, welcome to tech.com and this is Muhammad Ali. So guys, basically Poco ने officially announce कर दी है Poco M4 Pro की launch date को, और सबसे important चीज़ इसकी तमाम specifications including इसकी price और RAM variants, color variants, सब details खुल के सामने आ चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूँ। First of all, अगर हम इसके design की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे जो design है ना, ये basically mixture है Poco M3 का जो कि already launch हो चुका है, और Redmi Note 11 का जो कि चाइनीज मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। ओवरऑल अगर हम मॉड्यूल की बात करते हैं, हाउसिंग की बात करते हैं, तो वहां पे बड़ा बड़ा पोको लिखा गया है, और जो कैमरा मॉड्यूल है वो तकरीबन आपको रेडमी नोट 11 जैसा ही देखने को मिलता है। सो काइंड ऑफ हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक यहां पे ये जो पोको M4 प्रो है, ये एक रीब्रांडेड वर्जन है रेडमी नोट 11 का जो कि चाइनीज मार्केट में लॉन्च किया गया है। अब ये जो पोको M4 प्रो है ना, ये पाकिस्तान की मार्केट में भी आएगा, और काइंड ऑफ ये हम कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट में भी ऑफिशियली लॉन्च किया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें आपको मैक्सिमम स्पेसिफिकेशंस वही देखने को मिलती हैं जो कि रेडमी नोट 11 में देखने को मिली है। लाइक यहां पे आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, हाँ यहां पे आपको MIUI देखने को नहीं मिलेगा, पोको लॉन्चर देखने को मिलेगा जो कि ज्यादा ऑप्टिमाइज है, लेकिन बग्स की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको काफी ज्यादा बग्स देखने को मिलते हैं। डायमेंसिटी 810 का चिपसेट है, 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड एक 5G चिपसेट है। नो डाउट यहां पर परफॉर्मेंस जो है ना, आपको बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग लेवल की देखने को मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करें, अगर आप गेमर हैं तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक वर्थ अपग्रेड होगा पोको M3 से पोको M4 प्रो पर। यस, ये चीज यहां पे हम कह सकते हैं कि डेफिनेट है। प्राइस फिलहाल यहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो 160 यूरो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस खुल के सामने आई है, अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग 30,000 के राउंड अबाउट प्राइस में इसको पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल ये पाकिस्तान में आ चुका है, लाइक ये मेड इन पाकिस्तान फ़ोन नहीं होने वाला, इसको इम्पोर्ट कराया जाएगा। मेड इन पाकिस्तान फ़ोन जो है शाओमी के, पोको के, रेडमी के, वो 22 जनवरी से पाकिस्तान में बनना शुरू होंगे, तो उसके लिए फिलहाल यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। और हाँ, लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, अगर नहीं किया, पहली मरतबा देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी इसमें आपको 4 रैम वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, 4 128 GB वाला, 6 128 GB वाला, 8 128 GB वाला और 8 256 GB वाला। एंड UFS 2.2 की स्टोरेज चारों वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स आ सकते हैं, 4 128 GB वाला और 6 128 GB वाला। जहां तक इसकी लॉन्च के बारे में अगर मैं आप लोगों को आइडिया दूं, तो फिलहाल यहां पर कंफर्मेशन नहीं है कि लॉन्च कब होगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही है कि इसी मंथ इसको पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, या तो ग्लोबल मार्केट की लॉन्च के साथ या उसके आसपास। बाकी भाई आपको 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल का मेन सेकेंडरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। स्टीरियो स्पीकर्स भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले एक IPS पैनल है जो कि एक 90 हर्ट्ज का है, और बेसिकली फुल HD+ क्वालिटी के रेजोल्यूशन देखने को मिलेंगे, और 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है विद सेंटर अलाइट पंच होल। जबकि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब जैसे ही ये डिवाइस पाकिस्तान में लॉन्च होगी, ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल कराई जाएगी, हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, और काइंड ऑफ मैं कोशिश करूंगा इसको काफी अच्छे तरीके से यूज करके इसका रिव्यू कर दूं, ताकि जो लोग इसको परचेज करना चाह रहे हैं उनको यहां पर पता चल जाए कि किस तरह की ये डिवाइस आपको एक्चुअल में देखने को मिलती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को बता दिया जाए कि पोको M4 प्रो किस तरह की डिवाइस होने वाली है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगी, और किस हद तक ये Redmi Note 11 से आपको डिफरेंस देगी। सो ये किसका मोटिव था। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।